वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का फैसलाबाद का दौरा, मोटरवे से मुंसलिक फैसलाबाद सतियाना बाईपास समेत तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। चेयरमैन पीटीआई ने 4 साल सिर्फ मुआशरे में जहर घोला, गुज़श्ता दौर में मुखालिफीन पर इल्ज़ाम तराशी के सिवा कोई काम नहीं हुआ। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें, वोट की ताकत से बहरूपियों को शिकस्त देनी है, वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। दो हजार अठारह का इलेक्शन चोरी करके एक फितने को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। साजिश के तहत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म की गई। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में अवामी फलाह के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया गया। फैसलाबाद के हर तरक्याती मंसूबे पर मोहम्मद शहबाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है। शहदा की यादगारों की बेहरमती और अस्करी तनसीबात पर हमला कराने वाले मास्टर माइंड को सजा जरूर मिलेगी, वजीर दाखिला राना सनाउल्ला का तकरीब से खिताब। पीटीआई हुकूमत की तकरीबकारी की वजह से आज महंगाई और मुश्किलात का सामना है। आइन की धज्जियां उड़ाने वाला चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान का मुजरिम है। मौजूदा हुकूमत ने बरवक्त इकदामात से मुल्क को माशी मुश्किलात से निकाला। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है, वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद का तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में तेज़ बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। सैलाब और बारिशों से 67 घरों को जुज़्वी नुकसान और 7 घर मुकम्मल तबाह हो गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस अपर और लोअर चित्राल में बारिशों से मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से सवाद, दीर और चित्राल के मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासर सड़कों और मुवासलात के निज़ाम को बहाल किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाली मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बारिश का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की भी तवक्को। रावलपिंडी, पिशावर, गुजरावाला और लाहौर में नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा। मरी, गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। गवर्नमेंट कॉलेज की तालिबात और फैकल्टी अरकान का जिना हाउस लाहौर का दौरा। सानहा 9 मई पर सख्त गम गुस्से का इजहार। मुनज्जम साजिश के तहत ये तखरीबकारी की गई। कोई भी साजिश फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकती। वफ्द का शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में इंतहा पसंद हिंदुओं का मासूम कश्मीरी घोड़ी बानों पर तशद्दुद। अमरनाथ यात्रा के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं का लेन देन पर झगड़ा। 40 से जायद घोड़ी बान जख्मी, 300 खैमों और 10 बावर्ची खानों को भी जला दिया। इंतहा पसंदों ने मजहबी रंग देकर मासूम कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीरी घोड़ी बानों ने एहतजाजन यात्रियों की सवारी सर्विस मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान के हमजा खान ने तारीख रकम कर दी। 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप टाइटल दिला दिया। मेलबर्न में फाइनल में हमजा खान ने इंडिया को 3-1 से शिकस्त दी। आखिरी मरतबा 1986 में जान शिकस्त। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में आते हैं रिजवान आगाज़। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वोट की ताकत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसे तकमील तक पहुंचाया जा सके। फैसलाबाद में तरक्याती हुकूमत ने 4 साल दिन रात
मौजूद नहीं था। अरब लूट लूट कर पाकिस्तान से बाहर चला गया, वो ले पाई भी वापस आई, फिर ये कहा कि मैं मर जाऊंगा। वादा किया और खतरे से निकला, वादा आपने मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ में हम मिलकर पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे और पाकिस्तान। ये मुल्की तारीख के बदतरीन पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि अगर आइंदा इंतखाबात में 5 साल का मैंडेट मिला तो इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमात पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। सनाउल्ला ने कहा कि खिदमत की लगन है, सियासत और खिदमत का हसीन इम्तिजाज, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा, तवानाई के बहरान पर काबू और मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने जैसे एजाजात भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले वफादार और मैमार हैं, आइंदा भी मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे, आने वाले वक्त में यही अवामी नुमाइंदे कौम से खिदमत का फरीजा सर अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि माशी चैलेंजेस बेशक मौजूद हैं, तहम हमें अपनी तवानाइयां अवाम की फलाह बहबूद, कानून की बालादस्ती और आइन की पासदारी के लिए सर्फ करना होंगी। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोटरवे M3 से मुंसलिक फैसलाबाद सतियाना बाईपास का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि 26 किलोमीटर तवील सड़क की 2 रोया तामीर से वक्त और ईंधन की बचत और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म को बताया गया कि इस मंसूबे से 2500 से ज़ायद रोज़गार के मौके भी मैसर आ सकेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सर्कुलर रोड बाईपास का भी इफ्तिताह किया। 98 किलोमीटर तवील शाहरा पर 6 अरब 46 करोड़ रुपये से ज़ायद लागत आई है। कुरान करीम की तौहीन किसी कीमत पर हमारे लिए काबिले बर्दाश्त नहीं और हम स्वीडन को भी, डेनमार्क को भी और तमाम मग़रिबी दुनिया पर वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि कुरान पर हमला हो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर हमला हो, उम्मत मुस्लिमा इसे अपने खिलाफ ऐलान जंग समझती है। और याद रखो, अगर मुसलमान बिफर गए तुम्हारे ऊपर कुर्रे अर्ज को तंग कर देंगे और कहीं भी तुम्हें जीने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तो मुसलमान हैं जो वसीउ नजर हैं। अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर ईमान रखते हैं तो हम हजरत ईसा को भी अल्लाह का सच्चा पैगंबर समझते हैं। अगर हम कुरान करीम पर ईमान रखते हैं तो हम इंजील को भी अल्लाह की किताब समझते हैं। अगर हम कुरान को अल्लाह की किताब कहते हैं तो तौरात को भी अल्लाह की किताब कहते हैं। अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर समझते हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपना पैगंबर समझते हैं।
आसमानी किताबों की इज्जत और एहतराम करते हैं, लेकिन वो तुम हो, वो तुम हो कि तुमने इंजील का हुलिया बिगाड़ दिया है, वो तुम हो जिन्होंने तौरात का हुलिया बिगाड़ दिया है। तुम अपने किताबों की हिफाजत नहीं कर सके, तुमने उस पर तहरीफ कर दी है, लेकिन मुसलमान कुरान की हिफाजत जानता है, एक एक हर्फ की हिफाजत जानता है, और आज भी कुरान ही एक आसमानी किताब है कि जो अव्वल ता आखिर जबर जेर भी उसका महफूज है, और इंशाअल्लाह मुसलमान अपने खून का नजराना देकर अपने कुरान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं अमेरिका को भी बताना चाहता हूं, मैं पूरे यूरोप को बताना चाहता हूं कि तुमने गुज़श्ता दो दहाइयों से ज़्यादा इस्लाम को ख़त्म करने, इस्लाम के इदारों को ख़त्म करने के जो मंसूबे बनाए थे, और नाम निहाद दहशतगर्दी का नारा लगाकर तुमने जो इश्तियाल पैदा किया मुसलमानों के ख़िलाफ़, मदारिस के ख़िलाफ़, मसाजिद के ख़िलाफ़, और जिस तरह तुमने दुनिया से इस्लाम का नामो निशान मिटाने की ठानी थी, ये जो तुम कुरान जला रहे हो ये तुम्हारा वो इश्तियाल है, वो तंग नजरी है, तुम्हारे चेहरे से लिबरलिज्म का नकाब उठ चुका है, तुम तंग नजर हो, तुम इस्लाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, कुरान भी रहेगा, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत भी बरकरार रहेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आलम इस्लाम से, तमाम इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों से, बशमूल अपने पाकिस्तान की रियासत से ये मुतालबा करता हूँ और आपकी ताईद के साथ करता हूँ, इंशाअल्लाह ये इज्तिमा पूरे उम्मत मुस्लिमा का तर्जुमान है। हम ये मुतालबा करेंगे कि तमाम इस्लामी दुनिया, हर मुल्क अपना सफीर स्वीडन से वापस बुलाए और एहतजाजन वापस बुलाए, ताकि उन पर वाज़ह हो सके कि इस्लामी दुनिया अपनी किताब कुरान करीम के लिए एक जान और एक कुव्वत है, अपने पैगंबर के नामूस के लिए एक जान और एक कुव्वत है। हमें मिलकर फैसला हो करना होगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज उम्मत मुस्लिमा की पूरी तंजीम OIC वो इसका इस बात का ऐलान करे, और इंशाअल्लाह करेगी अगर हम जिंदा रहे, हम मैदान में रहे, इनको ये फैसला करना पड़ेगा। कुरान का हक है हमारे ऊपर, रसूलुल्लाह का हक है हमारे ऊपर, हम इस एक इज्तिमा से शायद वो हक अदा न कर सके, लेकिन हमने आगे बढ़ना है और पूरी दुनिया को इस तरफ आगे बढ़ने से रोकना है। हमारे भी कुछ रेड लाइंस होती हैं, सुर्ख लकीर होती है, तुमने सुर्ख लकीर को क्रॉस किया है, हम मजीद आपकी इस किस्म की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और अगर तुम न रुके तो मैं ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह दुनिया के किसी खित्ते में भी हो, हम तुमसे उसका बदला लेंगे। मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ, और हम मिलकर ये मुतालबा उठाएं कि अगर
इस्लामी दुनिया ने अपने सफीर न बुलाए तो ये एहतजाज हर जुमे के रोज पूरे मुल्क में होता रहेगा, चलता रहेगा और मुसलमानों की आवाज दबने नहीं दी जाएगी, ये इंशाल्लाह गूंजती रहेगी और हम अपना मुतालबा मनवा कर रहेंगे इंशाल्लाह। अजीज आपने बारिश में भी बड़े इस्तकामत का मुजाहरा किया, मैं आपको इस कामयाब इज्तिमा पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। बड़े उजरत से एक दिन के नोटिस पर आपको बुलाया और आप इतनी बड़ी तादाद में शरीक हुए, ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, भरपूर तौर पर जारी रहेगा इंशाल्लाह और अपना दबाव बढ़ाते रहें इंशाल्लाह, इनको हम पर नहीं मारने देंगे। इसराइल के और स्वीडन के झंडे और पुतला इसराइल का अभी नजर आतिश किया जाएगा। हाँ आइए, स्वीडन के सदर का पुतला, स्वीडन और इसराइल के झंडे सामने लाकर नजर आतिश किए जाए इंशाल्लाह। हम उनके आज पुतले जला रहे हैं लेकिन कायद का हुक्म हुआ तो उनके लिए ये पूरी दुनिया आपका पतोला। हुर्मत कुरान कॉन्फ्रेंस से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की बेहुर्मती किसी तौर कबूल नहीं, किसी तौर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हम बहैसियत मुसलमान तमाम आसमानी किताबों का दिल से एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। मुसलमान अपने खून का नजराना देकर अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद की हिफाजत करना जानते हैं। ऐसी हरकतें तंग नजरी को जाहिर करती हैं। एहतजाजन हर मुसलमान मुल्क को अपना सफीर वापस बुला लेना चाहिए ताकि एक वाज़े पैगाम दुनिया तक जा सके। हुर्रियत कुरान कॉन्फ्रेंस से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान खिताब कर रहे थे। शो को आगे लेके चलेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि आवाम की अच्छी सेहत का साफ और सेहतमंद खुराक से गहरा ताल्लुक है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह आवाम का हक है कि उन्हें मालूम हो कि फराहम करदा खुराक में क्या अज्जा शामिल किए गए हैं ताकि वो बेहतर और शफाफ मालूमात की बुनियाद पर अपनी खुराक का इंतखाब कर सकें। उन्होंने कहा कि मेरी हिदायत पर सेहतमंद ग़िज़ा तंदरुस्ती सदा मुहिम का पूरे पाकिस्तान में इजरा किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत हर रेस्टोरेंट खानों की मुकम्मल कैलोरीज से सारिफ को आगाह करेगा। इसके अलावा खाने पीने की पैकशुदा अशिया पर WHO की सिफारिश करता तजावीज़ पर मबनी ग़िज़ाइयत की मुकम्मल मालूमात शाया की जाएंगी। दिल की बीमारियों से बचाव के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रांस फैटी एसिड को भी सिर्फ 2% तक महदूद किया जा रहा है ताकि दिल और दीगर बीमारियों का सद्देबाब किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अहम मुहिम को मेरा स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट तमाम सूबों की फूड अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर पाकिस्तान भर में फैला रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे हस्पताल वीरान और खेलों के मैदान आबाद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मुहिम एक सेहतमंद मुस्तकबिल की नवीद साबित होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने ट्वीट में कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को विफाकी हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स के बराबर रिलीफ दिया और लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की दुआएं अपने नाम की। वज़ीर आज़म का कहना था कि सूबे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को 35% और पेंशनर्स को 17.5% इजाफा मुबारक हो। अपने भाइयों बहनों से वादा है कि माशी बदहाली, गुर्बत और महंगाई के अंधेरे मिटा कर रहेंगे इंशाल्लाह। जनाब, पाकिस्तान के हमजा खान ने तारीख रकम कर दी है। 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप टाइटल दिला दिया। मेलबर्न में खेले गए इवेंट के फाइनल में हमजा खान ने मिस्र के मोहम्मद जकरिया को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। हमजा खान ने मिस्री खिलाड़ी को 3-1 से शिकस्त दी। हमजा की कामयाबी का स्कोर 10-12, 14-12, 11-3 और 11-6 रहा। इससे कबल 1986 में जान शेर खान ने यह टाइटल जीता था। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने पर हमजा खान, कौम और तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि 37 साल बाद ये टाइटल फिर से पाकिस्तान के नाम करने पर हमजा खान आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस जीत ने 1986 की वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन में जान शेर खान की फतह की याद ताज़ा कर दी है। उनका कहना था कि स्क्वाश के मैदान में पाकिस्तान का परचम एक बार फिर बुलंद करने पर कौम आपको खराज तहसीन पेश करती है।
मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप स्क्वाश में पाकिस्तान को एक बार फिर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने हमजा खान के वालिदैन, कोच और तमाम टीम को भी मुबारकबाद दी। गुज़श्ता 15 माह के दौरान पाकिस्तान ने कोहपेमाई, बॉक्सिंग, स्क्वाश और दीगर खेलों में कई एजाज अपने नाम किए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब ने आलमी स्क्वाश में फतह पर हमजा खान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि 37 साल बाद हमजा खान ने फिर ये एजाज पाकिस्तान के नाम कर दिया है। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि 1986 में जानशेर खान ने पाकिस्तान को ये एजाज दिलाया था। अल्लाह ताला पाकिस्तान के खेल के मैदान आबाद करे और हर नौजवान को वतन की सरबुलंदी का जरिया बनाए। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है कि गंधारा तहजीब से पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने में मदद मिलेगी। मजहबी सियाहत से मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी और मकामी लोगों के रोजगार में इजाफा होगा। अपने वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि उन्होंने ये जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभाई है और बहुत मुख्तसर अरसे में मुल्क और कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। सबसे पहले तो मैं आज अपने मालिक का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिसने 2 महीने के लिए जो मुझे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो आज उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मैंने अपनी कौम का, अपनी कम्युनिटी का, अपने मुल्क का, अपने वज़ीर आज़म का, अपने फॉरेन मिनिस्टर का, सबका अपनी परफॉर्मेंस से सर फख्र से ऊपर किया है, नीचे नहीं किया है। आज 2 महीने मुझे कंप्लीट हुए हैं एज ए चेयरमैन टास्क फोर्स ऑन गंधारा टूरिज्म। 22 मई को चार्ज संभाला, 26 मई को बुधा पूर्णिमा मनाया, हर वेनसडे, पहला वेनसडे शाह आदिता, सेकंड वेनसडे तख्त भाई, थर्ड वेनसडे सवात, फोर्थ वेनसडे मंक्याला, फिफ्थ वेनसडे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेवेंथ वेनसडे 11-12 सेम्पोजियम जिसके अंदर मोस्ट वर्नेबल मॉन्क्स का आना, स्कॉलर्स का आना, 31 फॉरेन गेस्ट का यहाँ पे आना और उसका पाकिस्तान का एम्बेसिडर बन के अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तान की जाके नुमाइंदगी करेंगे। और उसके बाद जो वेनसडे आया, उस वेनसडे के दिन फिर मैंने भमाला स्टूपा जो 14 मीटर लंबा बुद्धा का वहाँ पर जब देखा, तो मुझे और ज़्यादा एक एनर्जी मिली कि जो मेरी मिशन है वो मिशन अब इन सारे मॉन्क्स, बुद्धा और पाकिस्तान की कौम की दुआओं से, मेरी माँ की स्पेशल ब्लेसिंग से, मेरे मुर्शिदों की स्पेशल ब्लेसिंग से पाकिस्तान का फ्यूचर मालिक ने चाह, तो मैं पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान का नाम इन द आईज़ ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, मैं दुनिया के अंदर ऐसी कनेक्टिविटी बढ़ाऊंगा कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी थ्रू दिस टूरिज्म, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बुद्धिज़्म का स्टार्ट हुआ है, बुद्धा का जन्म नेपाल में हुआ है मगर 70% बुद्धिस्ट साइट पाकिस्तान में है। आज यूएन रिपोर्ट कहती है 30% के बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है, मगर वो जिन जिन कंट्रीज़ का नाम लिखा है वहाँ पे टोटल बुद्धिज़्म 30% है, 70% इन पाकिस्तान है। मैं प्रूव करूँगा कि पूरी दुनिया एक तरफ होगी, पाकिस्तान एक तरफ होगा और पाकिस्तान इस गंधारा सिविलाइजेशन के ऊपर, गंधारा टूरिज़्म के ऊपर, क्योंकि गंधारा सिविलाइजेशन का नाम मैं इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि सिविलाइजेशन के अंदर 2 पार्ट है, एक बुद्धिस्ट साइट, दूसरा वो ह्यूमैनिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेसनेस, लव, ये जो चीज़ें थी, हैप्पी टू लिव, इन चीज़ों को भी आगे बढ़ेंगे जब ऐसे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आएंगे, मोहब्बतें बटेंगे और इस चीज़ से इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमारा कनेक्शन बढ़ेगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट बढ़ेंगे, बिजनेस टू बिजनेस कांटेक्ट बढ़ेंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेंगे, मगर इससे बेहतर हमारे मुल्क की इकोनॉमी, पहले साल 1.5 बिलियन,
दूसरे साल 3 बिलियन, तीसरे साल 6 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगी। और इससे नहीं फकत इतना, हमारे जब लोग रोजगार में जब मुब्तला हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, तो हमारे मुल्क के दहशतगर्दी जो ना वो एलिमिनेट हो जाएगी, दहशतगर्दी हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के लिए ये तो 2 महीने की वर्किंग बताई, आगे जो मैंने आपको अपना ख्वाब बताया है, जो ख्वाब 2 महीने में जो थोड़ा बहुत पूरा हुआ है और आगे जो मैं उसको करने जा रहा हूँ, उसके लिए अगले हफ्ते का इंतज़ार करें। मालिक ने चाह तो अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ रिगार्डिंग गंधारा सिविलाइजेशन। थैंक यू, पीस। सिंध के सूबाई वजीर तलाश शर्जील इनाम मीमन कहते हैं कि पीपल्स पर सर्विस की नई खेप कराची पहुंच गई है और जल्द ही पीपल्स पर सर्विस के नए रूट्स का आगाज होगा। अपने ट्वीट में सूबाई वजीर ने कहा है कि अगस्त और अक्टूबर के महीने में मजीद बसों की खेप कराची पहुंचेगी और आइंदा चंद रोज में नए रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। हमारी तरजीह है कि शहरियों को बेहतर और सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्राहम की जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का वादा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे को बेहतर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी मोहम्मद बिरजीज ताहिर कहते हैं कि साइफर का ड्रामा मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ सोची समझी और ख़तरनाक साजिश थी, जिसे चेयरमैन पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने 164 के एतराफ़ी बयान की सूरत में कौम के सामने पेश करके फर्द जुर्म आयद कर दी। साइफर प्री प्लान ड्रामा था जिसका असल मकसद कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोना था, जो कौम के सामने खुद ही बेनकाब हो गया। सांगला हिल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कलील मुद्दत में वो मेगा प्रोजेक्ट्स भी पाया तकमील तक पहुंचाए हैं जिसे इमरान खान की हुकूमत ने 4 साल से रोक रखा था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से कबल कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अपने वोटर्स के दरमियान होंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पाकिस्तान इनकलाबी ज़रई तब्दीली की तरफ गामजन, मुल्क को ज़रई तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए इनकलाबी मंसूबा तश्कील दिया गया है। फोन ग्रुप पाकिस्तान के ज़रई शोबे में पायदार मुस्तकबिल की जमानत साबित होगा। पाकिस्तान में ज़रात के शोबे में एक पायदार मुस्तकबिल, 2022 में कायम किया गया फोन ग्रुप पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए कामयाबी से सरगर्म अमल है। हमारा मिशन है बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट फार्मिंग को मुतारिफ करवाना और एक वैल्यू एडेड एग्रो इकोसिस्टम बनाना, ताकि हाई टेक ज़रई सहूलियात और जदीद तरीकों से भरपूर फायदा उठाया जा सके। फ्रंट लोडेड हाई टेक फार्मिंग मैकेनाइजेशन के जरिए हम पैदावारी सलाहियत के एक नए दौर की जानिब बढ़ रहे हैं, जहाँ ज्यादा और मुनाफा बख्श पैदावार यकीनी बनाई जाती है। फोन ग्रो नाम है एक जदीद निजाम का, जो मियारी बीजों और बेहतरीन आपाशी में जिद्दत के जरिए पैदावार हासिल कर रहे हैं। हमारा अज्म है कि तमाम किसानों के साथ एक राब्ता कायम करके उन्हें तआवुन मुहैया किया जाए, ताकि उन्हें वो जदीद तकनीक फराहम की जा सके, जो बहुत अहम है आज के ज़रई मंजरनामे में तरक्की हासिल करने के लिए। जिद्दत है हर तरक्की का राज। फोन ग्रो टेक्नोलॉजी के जरिए जदीद ज़रई तकाज़ों को पूरा करने के लिए हर दम कोशां है। बीरुवल फार्म खानेवाल में फलती फूलती लहलहाती ज़रई सनत है, जो फोन ग्रो की कामयाबी का एक मुंह बोलता सबूत है। जदीद काश्तकारी के मेयार को अपनाते हुए ये मुकम्मल तौर पर अपनी नौयत का पहला फार्म है, जो खानेवाल में 2250 एकड़ पर फैला हुआ है और जिसको 5 साल में 1 लाख एकड़ तक फैलाने का मंसूबा भी तश्कील दिया जा चुका है। पाकिस्तान ज़रात के लिए एक मौजूद तरीन सरजमीन है। ये मुल्क एक इनकलाबी ज़रई तब्दीली की तरफ गामजन है और एक अजीम तरक्की के लिए तैयार है। आइए मिलकर इस तरक्की का हिस्सा बने। पंजाब में कपास के चुनाई का मरहला शुरू हो गया है। कपास की गलत तरीके से चुनाई से कपास की क्वालिटी और मयार मुतासर होता है, और आलूदगी से पाक कपास की क्वालिटी बेहतर हो तो काश्तकार को मंडी में उसके निर्ख भी ज्यादा मिलते हैं।
इस बारे में देखते हैं इशफाक अहमद की ये रिपोर्ट। कपास की चुनाई का मरहला शुरू होते ही महकमा ज़राअत की जानब से साफ सुथरी और म्यारी कपास के हसूल के लिए आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसके मुताबिक कपास की चुनाई हमेशा इस वक्त करें जब कपास से शबनम की नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आलूदगी से पाक कपास के हसूल से काश्तकार न सिर्फ बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं बल्कि मुल्क के लिए ज़रे मुबादला में भी इजाफा हो सकता है। आलूदा चुनाई से फुटी की क्वालिटी और म्यार मुतासर होता है। कपास की चुनाई करने वाली खवातीन सर को डांप कर रखें ताकि सर के बाल रुई में मिलकर रुई की क्वालिटी को ख़राब ना करें। कपास को सिर्फ सूती कपड़ों में रखें। कपास की चिनाई साफ़ सुथरी और लैशों से पाक कराएं। चिनाई तरबियत याफ्ता सुपरवाइज़र की निगरानी में कराएं। चिनाई करने वाली खवातीन सर को डांपने, जोली बांधने और पांड बांधने के लिए सिर्फ सफ़ेद सूती कपड़ा ही इस्तेमाल करें। कपास को गीली जगह पर हरगज़ ना रखें। काश्तकारों को यह भी कहा जा रहा है कि चिनाई की उजरत सिर्फ साफ चुनाई की बुनियाद पर दी जाए, ना कि वजन की बुनियाद पर। चुनाई का सही वक्त सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक है। कपास की चुनाई का दरमियानी वक्फा 15 से 20 दिन रखें, क्योंकि जल्दी चुनाई करने से गैर म्यारी और कच्चा रेशा हासिल होता है। ऐसी रुई मकामी और आलमी मंडी में बहुत कम कीमत पर फरोख्त होती है। चुनाई करते वक्त ज़मीन पर गिरी हुई कपास को पत्ती से साफ कर लिया जाए। चुनाई करते वक्त बादल और बारिश का इम्कान हो तो चुनाई ना करें। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। नाज़रीन, यजीदियत का फ़लसफ़ा इक्तदार और हाकमियत है, जबकि हुसैनियत का फ़लसफ़ा दीन मोहम्मदी की खातिर उठ खड़े होना और किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करना है। देखिए वक़ार हैदर की यह रिपोर्ट। यजीद ने खिलाफत राशिदा की इकदार को पामाल करके इसे बदतरीन मलूकियत, सिफाकियत, आमरियत और दहशतगर्दी से बदल दिया तो हुसैन इब्ने अली ने अपने नाना के दीन की खातिर अलम बुलंद किया। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद ताहिर कहते हैं, फलसफा हुसैन और यजीदी फलसफा को समझने की जरूरत है। वाकया करबला के पस मंजर में यजीद की सोच और फिक्र ये थी कि ताकत ही हक है। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की सोच और फिक्र ये थी कि ताकत हक नहीं बल्कि हक का अलम जिसने लिया हो वही ताकतवर है। इन दो फलसफों के टकराव ने उम्मत मुस्लिमा और आलम इंसानियत को ये बात समझा दी कि वाकया करबला के नतीजे में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होकर भी जिंदा है। हुसैन इब्ने अली खिलाफत राशिदा के असल और हकीकी इकदार के अमीन, मुहाफिज और वारिस थे। इमाम अली मुकाम खिलाफत राशिदा की इकदार को दोबारा जिंदा करना चाहते थे और इन इकदार पर उम्मत का मुस्तकबिल संवारना और उस्तवार करना चाहते थे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 9 अफराद जहां भाग जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। तर्जमान पीटीएमए के मुताबिक अब तक सैलाब और बारिशों से 76 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा जबकि 7 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा रिलीफ ने अपर और लोअर चित्राल में तेज़ बारिशों से मुतासर इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। शदीद बारिशों से चित्राल में लोगों के घर, बागात, दुकानों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। इलाके में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से ज़मीनी राबते मुनक़ता हो गए हैं। पीडीएमए के तर्जुमान के मुताबिक चित्राल में लोगों को पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। मुतासरा खानदानों को खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने सड़कों की जल्द बहाली के लिए भारी मशीनरी को मुतहरिक कर दिया है। शदीद बारिशों के बाद स्वात, दीर और चित्राल में मवासलात का निज़ाम मुतासर होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। दीर में दरियाए पंचगोरा में पानी की सतह बुलंद होने के बाद करीबी इलाकों में मवासलात का निज़ाम मुतासर हुआ। लैंड स्लाइडिंग की वजह से तहसील कलकोट में शरिंगल कुमराट रोड बुरी तरह मुतासर हुआ जबकि शमसी खान के इलाके में ज़ेरे तामीर पुल को नुकसान पहुँचा। सिक्योरिटी फोर्सेज भारी मशीनरी के साथ इलाके में आमद और रफ्त को जारी रखने के लिए मुतहरिक हैं। चित्राल में शदीद बारिशों की वजह से चित्राल से बोनी के इलाके के दरमियान वाक़ अहम पुल सैलाब में बह गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन करके मुतबादल रास्ता बनाकर आमद और रफ्त को यकीनी बनाया है। सवात के इलाके शांगला में भी सिक्योरिटी फोर्सेज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में मुतासर सड़कों और मवासलात के निज़ाम को बहाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से सवात, दीर और चित्राल के मुतासर इलाकों में आवाम को खुराक और पानी भी मुहैया किया जा रहा है। मुल्क में जारी बारिशों की सूरत हाल के पेश नज़र गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सयाहों और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करने की हिदायत की है। अथॉरिटी ने ज़िले इंतज़ामिया को किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इकदाम करने की हिदायत की है।
बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से द्यामीर में शाराए करकरम खुर्ज के मुकाम पर बंद हो गई है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया है। उधर शाराहे बल्तिस्तान पर ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जान बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक अफसोसनाक हादसा शंगोस के मकाम पर पेश आया, जहां गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। हादसे में 3 खवातीन और 1 बच्चा जान बहक, जबकि 1 नौजवान शदीद जख्मी हुआ। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक अस्तौर से है, जो स्कर्दू से गिलगित जा रहे थे। मानसहरा शहर और गिर्दो निवाह में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वादिय काखान, वादिय सरन और मोहलिका इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी है। दरियाए कुनहार और नदी सरन में भी पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। वादिय काखान में सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। सयाहों की रहनुमाई और किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र काखान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने स्टाफ को मशीनरी के साथ मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया है। नाज़िर, PGMA ने सूबे पंजाब में 23 से 29 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम और डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में मजीद बारिशें हो सकती हैं। PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए रावी और चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। दरियाए चनाब और रावी में अगले 48 घंटों में पानी की सतह मजीद बुलंद होगी, जबकि दरियाए जेहलम में भी दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरियाए चनाब में हेड मुराला के मकाम पर 1,27,000 क्यूसिक, जबकि खानकी के मकाम पर 1,30,000 क्यूसिक पानी का अखराज है, और दोनों मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सूबाई इंतजामिया को इंतजाम मुकम्मल रखने और अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह में एक बार फिर से इजाफा शुरू हो गया है। सैलाबी रैला हेड सुलेमान की से बहावल नगर की तरफ बढ़ रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज राना फैसल रहमान से। जी फैसल, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। दरियाए सतलुज के पानी की सतह में एक बार फिर जो है इजाफा हो गया है। 2 रोज जो है वो तकरीबन पानी जो है वो बिल्कुल कम होता दिखाई दिया, लेकिन अब जो है एक बार मुसलसल जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है, और पानी का जो भाव जो है वो भी तेज हो गया है। हैर सलमान के पर इस वक्त जो है 57,196 क्यूसिक के करीब जो है पानी की आमद है, जबकि इखराज जो है वो तकरीबन 46,186 क्यूसिक चल रहा है। बावल नगर की मुतद्दिद जो दरियाई पट्टी में जो बस्तियां जो है उनको जो है अपनी लपेट में ले लिया है। हजारों एकड़ के हिसाब से जो फसलें थी जिनपे मुख्तलिफ जो है फसलें जो काश्त की गई थी उनको जो है अपनी लपेट में ले लिया। लोगों की जितनी भी फसलें थी जो कच्ची खड़ी थी या पकी हुई थी वो सारी उसके अंदर पानी में तबाह हो चुकी हैं। लोगों के माल मवेशी वो पानी में लुट चुके हैं, लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। पानी का रेला जो है वो हैर सलमान की से जो है वो होता हुआ जो है मिंचनाबाद और बहावल नगर और उसके बाद जो है चिश्तियां और हेड इस्लाम की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर जो पहले जो है मिंचनाबाद में भी काफी नुकसान हुआ है, उसके बाद बहावल नगर की दरियाई पट्टी में जो कई बस्तियां जो है वो काफी जो है मुतासर हुई हैं। इसी तरह मिंचनाबाद की जो बस्तियां जो है वो भी काफी मुतासर हुई हैं। इस वक्त रेस्क्यू 1122 ने जो है तकरीबन 500 के करीब जो है लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मुख्तलिफ मकामात पे जो सेफ मकामात है वहाँ पे जो है मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरीन जो हैं उनके एनिमल्स जो है उनको भी जो है तकरीबन 500 के करीब जो है वो सेफ मकामात पर जो है मुंतकिल किया जा चुका है। जिला इंतजामिया की जानिब से जो 18 रिलीफ कैंप जो लगाए गए थे वहाँ पर जो है वो लोगों को तमाम जो फैसिलिटीज जो है वो मुहैया की जा रही है, अद्वियात और दीगर जो चीज़ें वहाँ पर जो है मौजूद है। और इसी तरह जो है रेस्क्यू जांबाज जो है वो जांफशानी से जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना फैसल रहमान आपका। नाज़रीन, दरियाए सतलुज में पानी की आमद के बाद लोधरा में शहरियों की बड़ी तादाद पिकनिक मनाने के लिए दरिया का रुख कर लेती है। इस हवाले से लोधरा में हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल्ला, जरा तफसीलात शेयर कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा और बहावलपुर के दरमियान बहने वाले दरिया सतलुज के इंप्रेस पुल के करीब। इस वक्त लोधरा के मकाम पर दरिया सतलुज में 27,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। जब से भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ा है तब से हर छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद पिकनिक मनाने और बोटिंग करने इंप्रेस ब्रिज के पास पहुँच जाती है। दरिया सतलुज में पानी आने से लोधरा और बहावलपुर की आवाम खुश है। माहरीन का कहना है कि इस दरिया में पानी आने से इस इलाके में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी और यहाँ की ज़रात के लिए पानी किसी नेमत से कम नहीं है। दरिया सतलुज यहाँ कदीम तरीन बहने वाला दरिया है जो अपने साथ खुशी, खुशहाली और हरियाली लाया करता था। पिछले कुछ अरसे से यह दरिया सूख गया, जिसके साथ ही यहाँ बसने वाले कबाइल परेशान हाली का शिकार हो गए। अब अल्लाह का करम है कि इस दरिया में पानी आ गया है और पानी आने के साथ ही खुशी और खुशहाली लौट आई है। हम भी बहुत खुश हैं,
ये पानी आने की वजह से ये होता है कि हमारे माशाल्लाह यहाँ पे फसल भी अच्छी हो जाती है और गर्मी में भी थोड़ा इजाफा कम हो गर्मी भी कम हो जाती है। इस वक्त यहाँ लोग भरपूर तरीके से पिकनिक को एंजॉय कर रहे हैं, बड़ों के साथ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। दरिया के पानी से खेल रहे हैं तो कोई रेत का घर बना रहा है। लोगों का कहना है कि छुट्टी का दिन है, सुबह से आए हैं, शाम तक यहाँ पर खूब इंजॉय करेंगे, मौसम से लुत्फानंदोज होंगे और दरिया के पानी से खेलेंगे। जनाजिम ठट्ठा के सैलाब मुतासरीन में शिकागो फ्रेंड्स और काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के तआवुन से 350 घरों में राशन तकसीम किया गया। तफसील बता रहे हैं मिर्जा हसन बेग। जी बारिश और सैलाब को तो एक साल हो गया, लेकिन मुतासरीन अभी तक जो है परेशानी के शिकार हैं। तो ऐसे मौके पर जो है काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर कराची ने शिकागो फ्रेंड के तआवुन से जो उनका एक साल से इमदादी प्रोग्राम चल रहा है, वो आज यहाँ गेलमोरी में पहुँचे हैं और यहाँ के तकरीबन सराउंडिंग के 9 गाँव हैं जिनके 350 लोगों को जो आज राशन और दूसरे चीज़ें जो है तकसीम की जा रही हैं। आज हम आए फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, शिकागो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के तआवुन से काशिफ इकबाल थैलेसीमिया ट्रस्ट कराची, यहाँ गरीब लोगों को आए राशन तकसीम करने के लिए। तो ये काम तो ये काफ़ी अरसे से जारी वसारी है, पूरे मुल्क में काम चल रहा है और ठट्ठा में भी हम काम कर रहे हैं। आसपास के सारे गांव तकरीबन हमने राशन दिए हैं, सबको ये गांव रह गया था। आज यहां पे हम तकरीबन 350 राशन जो है मुख्तलिफ गांव हैं, ये हमने ये की जगह पॉइंट सेलेक्ट की है, लेकिन ये आसपास के गांव से भी लोग आएंगे और यहां से राशन लेके जाएंगे। ये सिलसिला इनका तकरीबन 1.5 साल से जारी है और आज गेलमोरी के अलावा एक खुश्क बरादरी, मल्ला बरादरी और दूसरी जो बरादरी हैं उनको राशन दिया जा रहा है। इस वक्त हमने जो है ना तकरीबन 9 गांव जो है ना यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है ना। इसमें खुश कम्युनिटी के गाँव हैं, मल्ला कम्युनिटी है, बाबड़ो है, विजड़ियो है और 268 जो है ना बेनिफिशरीज हैं, ठीक है ना, जिनको यहाँ पे दे रहे हैं। बरसात का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है तो ये लोग फिर मुतासर होंगे, इसलिए आइंदा जो है नेक्स्ट टाइम भी इनका जो है इमदादी प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक ये मुतासर अपने घरों को आराम से नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, गवर्नमेंट कॉलेज की तालिबात और फैकल्टी मेंबरान ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और सानेह नौमई पर सख्त गम गुस्से का इजहार किया। तफसीलात बता रही हैं आयशा फयाज। गवर्नमेंट कॉलेज की तलबात और फैकल्टी मेंबरान ने जना हाउस का दौरा किया और सानहा 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं, ये घर बाबाए कौम मोहम्मद अली जना से मंसूब होने के बाइस काबिले कदर था। उन्होंने कहा कि बहैसियत तालबिल्म और पाकिस्तानी होने के नाते हमें नौजवानों को नफरत की बुनियाद पर हर सियासत करने वाले अनासिर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। इट्स सो एम्बैरेसिंग कि हमारे अजीम लीडर की यहाँ पे बहुत ही निशानियाँ मौजूद थी जिसको जलाकर राख कर दिया गया, यहाँ पर मस्जिद मौजूद थी उनको जला दिया गया। मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि इन सब के पीछे जिनका हाथ है उन सबको सख्त से सख्त सजा दीजिए। तालबात ने कहा कि मुनज़िम साजिश के तहत ये तहरीब कारी की गई है, शरपसंद और आलाकार याद रखें ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और शरपसंद अनासिर की ऐसी कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करते हैं। बात का बहुत दुख हुआ कि हमारी जना हाउस को बुरी तरीके से जलाया गया और यहाँ हमारे कैद की पड़ी हुई चीज़ों को भी जलाया गया। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि यहाँ पर जो मस्जिद थी, जहाँ पे जो हमारी इबादतगाह है, उसको भी जलाया गया। हम इस बात की मजम्मत करते हैं। बहुत अफसोस हुआ है कि हमारे कायदे आज़म की यादें थी यहाँ, वो सारी इन्होंने जलाई हैं और यहाँ पर मस्जिद भी हमने देखी है जिसे शहीद किया गया है और ये सब देख के हमें बहुत अफसोस हो रहा है और जिस जिस ने भी ये किया है उन्हें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान तालबात ने शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि आइंदा कोई भी ऐसी तहरीब कारी का ना सोचे। आयशा फयाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती के खिलाफ उलमा इकराम ने डेरा बुकटी में हुरमत कुरान रैली निकाली। रैली में उलमा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर वाकई के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका से मुकर्ररीन ने खिताब किया, उनका कहना था कि स्वीडन के घटिया इकदाम से कुरान की अजमत में कोई कमी नहीं आएगी। कुरान इल्हामी किताब है और अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा उठाया है, कोई भी इसकी अजमत में कमी नहीं कर सकता। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कोहलू में हुरमत कुरान के उनवान से एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने वाक़े के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्ररीन ने कहा कि स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है, इस तरह की हरकत से कुरान की अजमत में कोई कमी नहीं आएगी। मुकर्ररीन का कहना था कि कुरान इल्हामी किताब है और अल्लाह ताला ने खुद उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, कोई भी उसकी अजमत में कमी नहीं कर सकता।
कुछ बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की सूरतहाल की, जहां इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से बेगुनाह कश्मीरी घोड़ी बानों पर तशद्दुद का वाकया पेश आया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक झगड़ा अमरनाथ यात्रा के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं और कश्मीरी घोड़ी बानों के माबैन लेन देन के मामले पर हुआ, जिसे इंतहा पसंद यात्रियों ने मजहबी रंग दे दिया। इंतहा पसंद यात्रियों ने मिलकर घोड़ी बानों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे 40 से ज़ायद घोड़ी बान जख्मी हुए, जबकि 300 खेमों और 10 बावर्ची खानों को भी आग लगा दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्मीरी घोड़ी बानों ने एहतजाजन यात्रियों को सवारी सर्विस मुअत्तल कर दी। इस दौरान पुलिस घोड़ी बानों पर तशद्दुद के दौरान खामोश तमाशाई बनी रही। तज़िया निगार के मुताबिक अमरनाथ तसादुम मोदी सरकार के इंतखाबी फवाइद के लिए हिंदू इंतहा पसंद जज्बात की सरपरस्ती का नतीजा है। हिंदुत्वा के पैरोकार हिंदुस्तान से मसाजिद और मदारस के मुकम्मल खात्मे के दरपे हैं। अखंड भारत के कयाम के दाई मुसलमानों के तशख्खुस को मसख करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। अब दिल्ली में मजीद दो तारीखी मसाजिद को मिसमार करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। क्या तफसीलात हैं, शेयर करेंगे अब्दुल्ला शाद। बाबरी तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS का वो नारा है जिसके तहत वो हिंदुस्तान से गैर हिंदुओं का मुकम्मल तौर पर खात्मा करके इसे राम राष्ट्र में तब्दील करना चाहती है। अब दिल्ली में मजीद दो तारीखी मसाजिद को फिलफोर खाली करने का हुक्म दिया गया है, ताकि उन्हें भी नाम नेहाद तजावजात मुहिम के नाम पर मिसमार किया जा सके। 250 साल पुरानी बंगाली बाजार मस्जिद और 400 साल पुरानी बाबर शाह तकिया मस्जिद की इंतजामिया को जगह खाली करने के लिए 15 रोज का वक्त दिया गया है। उधर वाराणसी की तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद को भी मिसमार करने की राह हमवार कर ली गई है। वाराणसी की अदालत ने हिस्बे साबिक मुसलमानों की दरख्वास्त खारिज कर दी। इससे कबल ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने से नाम निहाद शिवलिंग की दरियाफ्त का ड्रामा भी रचाया जा चुका है। सैकड़ों मसाजिद की मिसमारी के बाद भी RSS का दावा है कि भारत से 36,000 मसाजिद और मदारस को मुनहदम करके उनकी जगह मंदिर कायम किए जाएंगे। मोदी राज में महज मजहबी अकलियतों ही नहीं बल्कि निचली जात के हिंदुओं की हालत भी बदतर हो चुकी है। अपने बुनियादी हकूक के हसूल के लिए निचली जात के हिंदू बरहना एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। रियासत छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर में दलितों ने असेंबली की तरफ बरहना मार्च किया। मार्च का मकसद ऊंची जात के जाली सर्टिफिकेट्स की बिना पर नौकरियां पाने वाले सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त करने का मुतालबा था। दूसरी जानिब बदतरीन खाना जंगी का शिकार मणिपुर में मुश्तिल खवातीन ने उन दो मर्दों के घरों को आग लगा दी जिन पर खवातीन को बरहना हालत में परेड कराने का इल्जाम है। मणिपुर में महीनों से जारी ईसाई कुछ फसादात में अब तक कम से कम 120 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। जी नाज़रीन, इसके साथ ही लाइव न्यूज शो एट 6 का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और नाजिया खान को इजाजत दीजिए।